College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start with a new topic, Song of the Open Road, which can be taught to 12th Arts, Commerce and Science. So let us start with a beautiful poem which is written by Walt Whitman. His life duration was from 1819 to 1892. He was an American poet, essayist and journalist. So he has written many essays, journalism mein bhi kaam kiya hai. Whitman is among the most influential poets in American canon and is often called the father of free verse. Jaise hamare India mein hum Gandhi ji ko father of the nation kehte hain, wahan par Whitman ko, Walt Whitman ko father of free verse kaha gaya tha because of his poems. And he grew up in Huntington in a family with difficult economic status. ये एक हंटिंगटन प्लेस में बॉर्न हुए थे और उनका फैमिली जो बैकग्राउंड है उतना ज़्यादा फिनेंशियली साउंड नहीं था. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855 में. इनका जो बहुत ही फेमस पॉपुलर सा एक पोएम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, दैट द नेम ऑफ द पोएम वॉज लीव्स ऑफ ग्रास. हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर. उनका एक दूसरा एक वर्क है जिसका बुक का नाम था ओ कैप्टन माई कैप्टन, एंड इसमें लिखा गया था अब्राहम लिंकन के डेथ के बारे में. ऑल द सिनेरियोज वॉज रिटन क्लियरली. अब्राहम लिंकन कौन है जो 16th US प्रेसिडेंट भी रहे हैं. द सेक्शन वन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. तो ये जो लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास बुक में से लिया गया है, एक छोटा सा ब्यूटिफुल सा पोएम है जिसमें आपको बताया गया है टेंडरनेस ऑफ हार्ट, मतलब एकदम काइंड हार्टेड पर्सन होने चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में एंड फ्री विल के बारे में. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमारे लाइफ की जो टेस्ट है, हमारे जो लाइफ की टेस्ट है उससे हमें विजडम मिलती है, नॉलेज मिलती है, बहुत एक्सपीरियंसेस मिलता है जो हमें कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा. लाइफ के जो टेस्ट है वो अलग ही है, उससे हमें अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. अ रोड इज समथिंग एवरी वन यूजेस वेदर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विद वन अनदर. ज़िंदगी ये नहीं देखता कि इंसान गरीब है अमीर है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ टेस्ट आते रहते हैं, वेदर इट इज़ पुअर और वेदर इट इज़ रिच, दे ऑल हैव टू डील विद सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. यहाँ पर इस पोएम में मोबिलिटी वर्ड जो है रोड से कैसे कनेक्ट है, मोबिलिटी का मतलब होता है फ्रीली मूव होना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फ्री मैनर. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. अ पर्सन अपने लाइफ को एक नया जर्नी स्टार्ट कर सकता है, एक नया रास्ता के तरीके से शुरू कर सकता है. विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू. विटमैन ये कहना चाहते हैं कि पर्सन अगर आप एक ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, यू शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस. आपको एक ही जगह पे नहीं रुकना चाहिए, अगर आप रुक जाते हैं तो आप में जो ग्रोथ है वो नहीं होगा. सो यू हैव टू मूव अहेड, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है. जैसे अभी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज ले लीजिए, टेक्नोलॉजीज कैसे होते हैं, हर बार अपडेटेड रहता है. इफ़ यू रिमेन इन द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी यू विल नॉट बी अपडेटेड, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे. सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, आपको अपने आप को आगे बढ़ाता रहना है, लाइफ में रुकना नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट विद अ ब्यूटिफुल पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. A foot and light hearted I take to the open road. A foot, पहला ही word देखिए, a foot का मतलब है progress के तरफ जो preparation है. Towards the progress I take the open road. मैं अपने जो progress है वो एक खुली रास्ते में जीना चाहता हूँ, with light hearted, बहुत खुले दिल से, बहुत बिना कोई stress लिए अपने ज़िंदगी को बहुत progress में लेके जाना चाहता हूँ. Healthy, free the world before me. मेरे आगे जो दुनिया है वो बहुत ही हेल्दी फ्री एंड बहुत ही हैप्पी गो वर्ल्ड है. आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट.
द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, मेरे आगे जो रास्ता है वो मुझे वहाँ लीड कर रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, इट इज शोइंग मी अ डायरेक्शन टू गो अहेड इन लाइफ. जो भी मैं चूज करूँगा वो मुझे और आगे रास्ता दिखाता जाएगा. हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. तो अब से आगे मैं कोई लक के लिए या कोई नसीब के लिए प्रेयर नहीं करूँगा, नहीं मांगूंगा, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ गुड फॉर्चून. मैं खुद ही एक गुड लक हूँ, मैं खुद ही एक गुड चार्म हूँ, अपने लिए मैं खुद ही लकी हूँ. तो मैं अपना रास्ता खुद ही निकालता रहूँगा, मैं किसी फेट के भरोसे पे नहीं रहूँगा. हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. आज के बाद से, हैंसफोर्थ मतलब अब के बार से, मैं कभी भी विम्पर नहीं करूँगा. विम्पर मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर रोना या कंप्लेन करना. आई एम गोइंग टू स्टॉप दैट. नो मोर विम्पर, नो मोर पोस्टपोन. पोस्टपोन भी नहीं करूँगा. पोस्टपोन मतलब आप किसी चीज़ को टालते हो. यू आर आज कुछ चीज़ करना है, बोलते नहीं ठीक है मैं बाद में करता हूँ या कल करता हूँ. सो यू आर पोस्टपोनिंग इट. तो वो पोस्टपोन भी मैं नहीं करूँगा. और मुझे और एक्जैक्ट दूसरे कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर आई एम हैविंग आई एम हैप्पी विद इट. डन विद इनडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरियस क्रिटिसिजम्स. अब मुझे कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है अपने लाइफ को लेकर, ना कोई बड़ा लिस्ट है अपने लाइफ के ट्रबल्स को लेके. क्यूरियस क्रिटिसिजम्स, क्यूरियस क्रिटिसिजम्स मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना इन अ वेरी फनी वे में, या कुछ भी तरीके से आप उसे क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ टॉन्ट कर रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो. क्यूरियस एंड क्रिटिसिज्म दोनों का मतलब एक ही है. क्यूरियस का मतलब भी यही है कि आप किसी को इरिटेटेड वे में कुछ टॉन्ट मारना या कुछ उसे इरिटेट करना, क्रिटिसाइज करना, उसकी गलतियाँ निकालना. क्रिटिसिज्म का मतलब भी सेम है. तो दोनों सेम वर्ड्स, यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज़ किया लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशियंट. और मेरे लिए, मैं बहुत ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ. कंटेंट मतलब हैप्पी. मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो अहेड एंड फर्दर इन माई लाइफ. एंड इसके लिए मुझे अर्थ ही सफिशियंट है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. Moving to the next part of the poem, I do not want the constellations any nearer. Constellations तो हमें पता है, हमने already school में किया. Constellation मतलब होता है group of stars forming any kind of a shape. But यहाँ पे इस poem के हिसाब से constellation का मतलब होता है fate, destiny, नसीब. ठीक है, तो वो बोलता है I do not want the constellations any nearer. मुझे अपने पास कोई भी constellations नहीं चाहिए. ऐसे कोई पर्सन नहीं चाहिए जो मुझे एडवाइस हमेशा करते रहे, जो मुझे हमेशा ये करने के लिए कहे, वो करो, ये करो, ऐसे बोलते रहे. ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. आई नो दे सफाइस फॉर दोज हू बिलोंग टू देम. मुझे पता है वो जहाँ पर भी है वो लोग खुश है, और वो उनसे ये नहीं देखा जाता कि दूसरे लोग खुश है. तो इसीलिए वो लोग एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो. Still here, I carry my old delicious burdens. But मैं अभी भी अपने life में open road में travel कर रहा हूँ, freely travel कर रहा हूँ, but फिर भी मैं अपने साथ अपने old delicious burdens. Burdens किसी को पसंद नहीं आता. Burdens मतलब जो तकलीफें हैं हमारे life में, जो troubles हैं हमारे life में, वो हमें कभी भी pleasing या खुशी नहीं देता. बट यहाँ पे वो पोइट कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग दिस डिलीशियस बर्डन्स ऑल्सो अलॉन्ग विद मी. मैं अपने पास्ट को भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि जो भी मिस्टेक्स मैंने अपने गलतियों से सीखी है वो मैं और आगे नहीं दोहराऊंगा. आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो. आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, एंड आई एम फिल्ड विद देम एंड आई एम फिल्ड देम इन रिटर्न. तो वो बोल रहा है मैं मैन एंड वुमेन, देवी और सज्जनों, मैं अपने आप अपने साथ ये हमेशा कैरी करता रहूँगा, मुझसे ये कभी छुटकारा नहीं होगा. आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम. ये मुझ में ही रहेगा और मैं उसमें रहूँगा. सो वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. दिस वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम वेयर आपको ये वैल्यू मिलता है कि आप अपने फियर को ओवरकम करो, आपके ऑब्स्टिकल्स को आपके ऑब्स्टिकल्स को जो है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप पार करके आगे सक्सेस लो. ओपन हार्टेडनेस पर्सन रखो, दिल हमेशा खुला खुशी वाला रखो, अपने फ्रीडम को एंजॉय करो. ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पोएम में देखने मिलेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटिफुल पोएम. लेट अस गो विद द ग्रामर पार्ट. तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो है
अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. यहाँ पे आता है इन्वर्जन. ये फर्स्ट लाइन पे जो आता है इन्वर्जन आता है बिकॉज यहाँ पे लाइन को क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज किया है, उसको उल्टा लिखा हुआ है. प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनता, आई टेक टू द ओपन रोड अफूट एंड लाइट हार्टेड, बट यहाँ पे उल्टा दिया है अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. तो पहला सेंटेंस इन्वर्जन हो गया. सेकेंड सेंटेंस में आते हैं हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम कैसा होता था, द वर्ल्ड बिफोर मी इज हेल्दी एंड फ्री, बट यहाँ अगेन क्या किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थोड़ा हुआ है, इसे दो डिफरेंट चीज़ें ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है. सो हियर अगेन सेकेंड लाइन इज इन्वर्जन. थर्ड लाइन में देख सकते हैं द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा बिकॉज लीडिंग कर रहा है, रोड आपको लीड कर रहा है. लीड करने का क्वालिटी किस में होता है, ह्यूमन में होता है. सो वो क्वालिटी यहाँ पे दिखाया गया है रोड को. सो अगेन हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन थर्ड लाइन पे. फोर्थ लाइन में जाते हैं हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. तो ये लाइन में क्या है, गुड फॉर्च्यून दो बार रिपीट हो चुका है. कुछ वर्ड अगर रिपीट होता है तो इट इज रिपीटेशन. तो ये लाइन पे फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे रिपीटेशन. अगर फुल वर्ड रिपीट होता है इट इज रिपीटेशन. अगर एक सिंगल अल्फाबेट रिपीट होता है इट इज एलिट्रेशन. हेंस फॉर आई विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग. हियर अगेन द वर्ड नो मोर इज रिपीटेड. तो यहाँ पे रिपीटेशन आएगा ये लाइन पे. नेक्स्ट डन विथ इनडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्यूरियस क्रिटिसिजम्स. ये जो लाइन है यहाँ पे आएंगे. आपको मैंने पहले भी बताया कि क्यूरियस एंड क्रिटिसिज्म दोनों का मीनिंग सेम है बट दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं. ऐसे सेंटेंस पे यूज आता है फिगर ऑफ स्पीच टॉटोलॉजी. सेम मीनिंग वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है टॉटोलॉजी. नेक्स्ट स्ट्रांग इन कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड द अर्थ दैट इज सफिशिएंट. तो स्ट्रांग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड. यहाँ पे फिर से क्या किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गलत है. सो अगेन हियर इट इज इन्वर्जन. उल्टा सेंटेंस किया है. प्रॉपर सेंटेंस कैसे आना चाहिए था, आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रांग एंड कंटेंट. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर. ये सेंटेंस ये लाइन पे भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा बिकॉज प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस में कैसा आता, I do not want the constellations any nearer है. प्रॉपर ऐसा सेंटेंस दिया गया है एनी नियरर, बट आपको प्रॉपर सेंटेंस कैसा होगा, I do not want any constellations near me. ये होता था प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड बट यहाँ पे उल्टा दिया है. दैट इज वाई हियर इट इज इन्वर्जन. नेक्स्ट लाइन दो लाइन देखते हैं हम. आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर I know they suffice for those who belong to them. तो ये दोनों लाइन पे I know repeat हो रहा है. So here it will be repetition figures of speech. Next, still I carry my old delicious burden. यहाँ पे use होता है दो kind of figures of speech. First is paradox. Paradox क्यों? Because यहाँ पे delicious burdens बोला है. Burden को कोई पसंद नहीं करता but एकदम pleasing सा word यहाँ पे use किया है. Pleasant, delicious burden. That is why here paradox is used. Second figure of speech आएगा metaphor. Metaphor क्यों? Because यहाँ पे delicious बोला गया है. Delicious in the sense खाने के लिए बोलते हैं. बहुत ही beautiful सा pleasing होता है. Burden जो बहुत ही दुखदार होता है. So दो अलग अलग चीज़ों को compare किया गया है. That is why here metaphor is used. So metaphor and paradox in same line. Next line देखते हैं. I carry the men and women. I carry them with me wherever I go. So this line also has repetition because the word carry them is repeated. Words repeat हुए तो ये क्या होगा? Repetition होगा. I swear it is possible for me to get rid of them and I am filled with them and I will fill them in return. तो last line में आप देख सकते हैं कि fill them आ रहा है. तो ये दो word again repeat हो रहा है. So here again it is repetition figures of speech. So I hope you have understood the poem. Let's meet in the next class. Thank you.